सागर में इस बार मेयर सहित वार्ड पार्षदों के पद पर होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के संग्राम में भाजपा और कांग्रेस द्वारा जिस तरह से टिकट वितरण किए हैं उससे जमीनी कार्यकर्ता के बीच असंतोष पनप रहा है और उनके मन में पार्टी के प्रति समर्पित होकर निष्ठाभाव से लंबे समय से की गई सेवा संघर्ष के प्रतिफल स्वरूप उन्हें इस बार संगठन के वरिष्ठों द्वारा प्राथमिकता देते हुए टिकट दिए जाने का भरोसा दिलाए जाने के बाद भी उनको अवसर नहीं दिया गया। बगीय समीकरण को साधने के चक्कर में ऐसे लोगों को टिकट वितरण में तजुब दे दी गई है जिन्होंने कभी उस वार्ड की जनता के ही सुत की बतौर जनसेवक नहीं ली। ऐसे में अब इस मामले में संगठन स्तर पर मिली बेवफाई पर जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल और विश्वास पार्टी के प्रति डगमगा रहा है और वह अपने क्षेत्र की जनता की आवाज पर उनके सेवाभाव का क्रम जारी रखने के उद्देश्य से मन बना निकाय चुनाव के संग्राम में निर्दलीय ही ताल ठोकने का मन बना रहे हैं, जिसके तहत जिस पार्टी से जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बतौर जनसेवा को लक्ष्य बनाकर की उससे मिले संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त होते हुए अपना लक्ष्य बनाकर नई पारी की शुरुआत की और कदम बढ़ा दिए हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस से ऐसे कई जमीनी कार्यकर्ता शामिल हैं। इनमें सबसे पहला नाम भाजपा से राजीव जैन का सामने आया है जिन्होंने संगठन स्तर पर बीते कई वर्षों से जो भी जिम्मेदारी मिली उसे बखूबी निभाया और इस बार उन्हें उसके प्रतिफल स्वरूप टिकट का पक्का भरोसा दिला। उनकी तैयारी भी शुरू कराई गई पर आखिरी मौका पर सामान्य सीट पर पार्टी ने ओबीसी को प्राथमिकता देते हुए उनके साथ छल कर डाला, जिसके बाद छल कपट की राजनीति का शिकार यह जमीनी कार्यकर्ता अब जनता की आवाज पर चुनावी संग्राम में पार्टी से किनारा कर उतरने का मन बना रहे हैं। राजीव अकेले नहीं, ऐसे कुछ और कार्यकर्ता भाजपा से हैं जिनको भी विश्वास में रखते हुए एकाएक उनका टिकट काट पार्टी ने किसी और के नाम पर मोहर लगा दी, जिनका भी दर्द संगठन की बेवफाई पर अब खुलकर झलक रहा है और संगठन की रीति नीति पर सवाल खड़े कर बागी तेवर अपनाए हैं। तो वहीं कांग्रेस में भी कमोबेश ऐसे ही सूरतेहाल है, जहां विपक्ष की आवाज़ बनकर मैदानी स्तर पर संघर्ष कर रहे जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते हुए आयात किए गए चेहरे पर दाव लगा पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ दिया, जिसके चलते कुछ तो खुलकर पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा ताल ठोकने जा रहे हैं तो कुछ उनको पहुंची ठेस पर अब चुनाव में ही चोट कर संगठन की जीत के समीकरण को बिगाड़ने का मन बना रहे हैं। बहरहाल टिकट वितरण के बाद दोनों दल के भीतर कार्यकर्ताओं में पनप रहा संतोष निश्चित ही पार्टी की निकाय चुनावों में जीत की मंशा पर पानी फेर सकता है। जो 20-20, 25-25 साल से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, कार्यकर्ता के रूप में दिन रात मेहनत करके कांग्रेस को यहाँ जिंदा किए हुए थे, उनके टिकट काट के तुरंत में बहुत से बीजेपी से आयत करके नए नए लोगों को टिकट दे दिए गए या ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए जिनके वार्ड में कोई जनाधार नहीं है या जो किसी खास विशेष नेता के पिछले अक्टूबर को उनके चमचे बन के घूम रहे उनको टिकट दे दिए गए, लेकिन जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं जो अपने वार्ड में स्थिति रखते हैं उनको टिकट नहीं दिए। तो भाई जब ऐसे में कांग्रेस कितनी कारगर साबित होगी अब नगरीय निकाय चुनाव में? कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में जहाँ तक महापौर की पद की बात है, क्योंकि तो महापौर का जो टिकट है वो बहुत अच्छा टिकट कमलनाथ जी ने दिया है, लेकिन जो पार्षद के कल टिकट डिक्लेयर हुए हैं जिसमें हमारे शहर कांग्रेस और की चयन समिति इन्वॉल्व है, उन्होंने पता नहीं क्या देख कर क्या सोच कर टिकट दिए हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जिनका कोई जनाधार नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 वोट जिनको मिलने की स्थिति नहीं है, और जी आप मेरी बात नोट कर लेना, जब रिजल्ट आए तो आप देखना 4-5 वार्डों में 100-200-300 वोटों पे कांग्रेस निपटेगी। नहीं तो अब आप कांग्रेस के साथ में हैं कि आप पार्टी छोड़ेंगे? अभी ये मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, कल मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसमें अपना फॉर्म जमा किया है, 22 तारीख तक देखते हैं। जहाँ तक सनीचरी वार्ड की जनता है, सनीचरी वार्ड की जनता मुझसे बार बार कह रही है, लोग वहाँ के कह रहे हैं कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, बीजेपी की जो पार्षद रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी छवि वहाँ इस समय ठीक नहीं है, तो वहाँ की जनता मुझसे कह रही है कि आप आइए। तो आप निर्दलीय लड़ेंगे क्या? अगर जनता कहती है तो आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? अगर जनता कहती है, जनता का साथ मिलता है, तो निश्चित रूप से आगे चुनाव तो लड़ा जाएगा पूरे दल के साथ, बल के साथ। जो इस बार टिकट की वितरण हुए 48 वार्डों के, क्या इस बार आप कांग्रेस के साथ में हैं कि आप कांग्रेस का विरोध करेंगे? नहीं, हम कांग्रेस के साथ में बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस के साथ में बिल्कुल नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी के हम साथ में हैं और कमलनाथ जी का जो टिकट है आदरणीय निधि, श्रीमती निधि सुनील जैन जी का, ये सुनील जैन निधि जैन नहीं, ये कमलनाथ जी हैं और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में
हम कांग्रेस का काम करेंगे, कांग्रेस को विजय हासिल दिलाकर ही हम पानी पिए। इस बार जो मैंने जमीनी कार्यकर्ताओं की बात अपने माध्यम से पार्टी संगठन को बताने की प्रयास किया है, जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है निश्चय ही उसमें असंतोष है। सामान्य वर्ग के टिकट पर अगर आप पिछड़ा व्यक्ति को टिकट देते हैं तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं, हमारा भी अधिकार है। हमने 20 वर्षों से विगत भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहकर विपक्ष के साथ राजनीति की शुरुआत की है। आज तक पार्टी के लिए जी जान खून पसीना लगाकर हमने पार्टी के लिए मेहनत की है। जिस तरह पार्टी की अनदेखी हुई है उससे हमारा मन आहत हुआ। मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 5 साल 7 साल जब भी मैं पार्टी का कोई भी कार्य करने आया मेरे भरपूर पार्टी का संपूर्ण कार्य किया है, और यदि कोई जनता की बात आती है तो आधी रात मेरे फोन उठाया और आधी रात कहेगा, लेकिन पार्टी ने मुझे निकाल दिया। मैं मुझे लाग नहीं समझा क्योंकि मैंने पार्टी के बहुत काम किया, पार्टी के मैंने बहुत सेवा की। मैंने बात के लोग मुझसे कह रहे कि यार क्या हुआ, किसी को जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ना जाने मेरे साथ घंटा 2 घंटे में क्या हो गया, मेरा टिकट काट दिया। मेरी वार्ड के लोगों का कहना है कि तुम चुनाव लड़ो, ना जाने कितने लोग मेरे पास फोन आए, कितने लोगों के घर संपर्क किया, उनका एक ही शब्द है कि नहीं आप चुनाव लड़ो, आपके साथ हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है, मेरे खिलाफ कोई लोगों ने साजिश की कोई ना कोई प्रकार के, आप बात आए मेरा टिकट कटे मुझे चुनाव ना लड़ने दिया जाए। नगरी विधायक के आप बहुत ही खास समर्थक माने जाते रहे हैं और लगातार उनसे संपर्क में भी रहे, टिकट के मामले में भी क्या आश्वासन मिलता रहा, किस प्रकार? विधायक जी का कहना था कि आप चुनाव लड़ाएंगे और आपका टिकट पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ऊपर वाला जाने कि कुछ समय में कैसा क्या हो गया, मेरा टिकट जानकारी मिल गई आपका टिकट कट गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जनता कह रही है आप चुनाव लड़ो, पार्टी ने टिकट काट दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ कहाँ जाऊँ, क्या करूँगे? लोगों का कहना है कि आप चुनाव लड़ो, क्या कहें इसके लिए? क्या सोच रहे हैं अब आओगे, क्या मन बना रहे हैं? यदि जनता कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता के हर समय मैं तत्पर रहा हूँ। मेरे असामयिक तत्वों ने मेरे खिलाफ साजिश रची कि इनको टिकट ना दिया जाए, नहीं तो जीत जाएंगे, इसलिए मेरे लिए सब लोगों ने मतलब हद से ज़्यादा गिराने के प्रयास किया है। जब 15 महीने की कांग्रेस सरकार दी तो मैंने तन मन धन से 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार 5-5 आदमी लेकर गया, मैं काम किया पार्टी का और जनता के बीच में रहा। जनता के आज ये मान लेना कि पहली बार सागर विधानसभा मेरा वार्ड जीता था, लोकसभा में पहली बार जीते 2-2 हज़ार 87 वोट से, लेकिन ना जाने क्या हो गया। मैं अपने वार्ड में 25 साल से सेवा कर रहा हूँ, अभी मेरी 6वीं बार सेवा है। अब मैं विकास नहीं, अब मैं वार्ड को और सागर को स्मार्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसी मुद्दे पर खड़ा हो रहा हूँ। मेरे वार्ड में मैंने अधिकांश काम करवाए हैं, अब छोटा मोटा काम बचा है तो अब करेंगे। पूर्व में आप पार्षद रहे और इस बार पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो आपको आपको टिकट दे रहे 3 बजे तक आए। भाजपा पार्टी में भाजपा में निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची, अब उनसे भी आओ कह रहे हैं, उनसे भी आओ कह रहे हैं, उनसे भी आओ कह रहे हैं, अब हमसे आओ कह रहे हैं, बताया कि 3 महीना से आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, अब कह रहे उसको दे रहे उसको दे रहे, हम सब में तैयार हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो आप निर्दलीय चुनाव में? हाँ, निर्दलीय खड़े होंगे चुनाव। क्या शुभ नाम लगते हो, कौन सा वार्ड है? बलराम घोसी, बल्लू भैया पार्षद, रामपुरा वार्ड 29। नजरिए से 15 साल से विपक्ष में रहे, लाठी खाए, डंडे खाए, झंडा उठाया, भट्टियाँ बिछाई। अगर 15 साल में पार्टी एक छोटे कार्यकर्ता को विवेकानंद वार्ड से अगर कांग्रेस का टिकट दे देगी तो क्या दिक्कत थी? इसी वजह से मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी को सौंप दिया, जिसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से स्वतंत्र हूँ।